क्या लोकतंत्र में अपनी मांग को अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखना कोई गुनाह है? जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयसिंहपुर क्षेत्र के कुरुकेलन गांव के लोग और बच्चे अपनी मांग रखने सीएम जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में पहुंचे। जब इन लोगों के हाथ में पोस्टर लिखे हुए पकड़े गए तो कुछ भाजपा युवा मोर्चा के लड़कों ने इनके मांग के पोस्टरों को फाड़ा है। ये लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या है, ये कहना है जयसिंहपुर क्षेत्र के कुरुकेलन गांव के लोगों, छोटे छोटे बच्चों और कांग्रेसी पूर्व विधायक का। सीएम जयराम ठाकुर पिछले दिन में जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी दौरान कुरुकेलन के लोग और बच्चे अपनी मांग रखने सीएम जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इन लोगों ने हाथ में अपनी मांग वाले पोस्टर पकड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इनके मांग वाले पोस्टरों को फाड़ दिया। इससे सीएम जयराम ठाकुर से मिलने आए लोगों में खासा रोष देखा गया। महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि पोस्टर फाड़ने से क्या होगा, उनके इरादे पक्के हैं। और स्कूली बच्चों ने ये कहा कि ये कौन सा तरीका है, यहाँ आने का बच्चों का कहना था कि वे मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से मिलने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की की गई और पोस्टर भी फाड़ दिए। इस बारे में जब जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेसी विधायक यादविंदर गोमा ने इस लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या करार दिया। गोमा का कहना है कि क्या लोकतंत्र में अपनी मांग को अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखना कोई गुनाह है? आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री जयराम ठाकुर जी प्रवास के दौरान आए थे और आज वहां पर मंद खड के ऊपर जो पुल बनाने की मांग थी, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग, बूढ़े बच्चे और औरतें वहाँ पर आई थी और वह शांतिपूर्वक अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लड़कों ने उन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ से पोस्टर छीने और जो उनकी मांग थी, जो इसके लिए वो आज खड़े हुए थे, उन पोस्टरों को उन्होंने फाड़ा और जिसका कि वीडियो आज सोशल मीडिया के हैंडल से काफ़ी वायरल हुआ है। मैं उन तमाम लोगों के इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और दूसरे लोगों ने ये कृत्य किया है, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ऐसी बात जो है वो नहीं होना चाहिए। वह केवल अपनी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार हुआ है, ये अति निंदनीय है और मुख्यमंत्री और विधायक महोदय जो हैं इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें और उन लोगों की मांग को जो है पूरा करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करें। कौन सा तरीका है यहाँ पे आने का? हम चुपचाप अंकल का प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छा बात करनी थी पर उन्होंने हमें बात नहीं करी। क्या आपको धक्का मुक्की तो नहीं की उन्होंने? बहुत की है। अच्छा, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को यहाँ जयसिंहपुर विधानसभा में धक्का मारा, पोस्टर फाड़ दिए, फिर क्या फायदा है इस नारे का? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कुछ फायदा नहीं। ऐसे ये देखिए बच्चे सीएम अंकल से मिल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, उनके बहुत सारे बात हो गए हैं, वे शांतिपूर्वक खड़े थे। हमें पूरी आशा है सीएम साहब हमारी बात को सुनेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे गांव का नाम है